मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के एक अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। यहां मॉर्चरी में रखे गए एक बुजुर्ग के शव को चूहों ने शतविशत कर दिया, जिससे शव का चेहरा और हाथ पूरी तरह से खराब हो गए हैं। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो शव की हालत देखकर बदहवास हो गए। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। विदिशा में सबसे ज्यादा अच्छे काम करे पुराने मिलने वाले आदमी के काम रेट थे, जो पुराने पत्रकार भी थे। दरअसल विदिशा के लालापुर मोहल्ले में रहने वाले 78 साल के रमेश टहलने घर से बाहर निकले थे, तभी तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। परिजन अस्पताल लेकर गए, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रात होने की वजह से शव को मॉर्चरी में रखवा दिया गया। यहां रात में शव को चूहों ने कुतर दिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन अब जांच की बात कह रहा है। संभव तो नहीं है, संभावना यदि आप ऐसा बोलते हैं, आपके द्वारा ऐसा बताया जाता है, तो मैं इसकी जांच कराऊंगा।